मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राहुल गांधी को शहजादा बुलाए जाने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार राहुल गांधी के लिए शहजादे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि बिल गेट्स और अक्षय कुमार को इंटरव्यू देने वाले पीएम खुद को फकीर बताते हैं। प्रधानमंत्री के हर सभा में बार बार राहुल गांधी को शहजादा कहने वाले बयान पर जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की है। जीतू पटवारी ने शहजादा कहने वाली बात पर प्रधानमंत्री की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों से बातें की और उनका दर्द समझा। जीतू ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करते हुए कहा कि जो 2-3 हजार रुपए की टी शर्ट में लगातार पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें वे शहजादा कहते हैं और खुद को फकीर जो 15 लाख का सूट पहने हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी जब ये कहते हैं तो उनको विचार करना पड़ेगा कि जो गरीबों से 4000 किलोमीटर जो 200 साल के इतिहास में किसी ने नहीं किया पैदल चले और उन्होंने दर्द को जिया, किसानों के, उन्होंने कारपेंटरों के, ड्राइवरों के, उन्होंने जोमेटो में काम करने वाले साथियों के, उन्होंने पेट्रोल पंप के काम करने वाले साथियों के, देश के गरीब आदमी से मिले, आदिवासियों से मिले, दलितों से मिले, वो मिलते हैं वो बहनों को जिनको आज नीड होती है, वो शहजादे जिनको केवल एक टी शर्ट में और जूतों में उन्होंने पूरा देश नाप दिया, वो शहजादे जो ऐसे परिवार में जहाँ 3-3 प्रधानमंत्री हो उसके बाद भी एक सामान्य आदमी की तरह जीवन बिताते हैं, वो शहजादे। और मोदी जी खुद को फकीर कहते हैं। फकीर कैसे? जो 15 लाख का सूट पहने, जो केवल अडानी अंबानी और उद्योगपतियों से मिले, जो हीरो और एक्टर जितने हीरो हीरोइन उनके साथ फोटो सेशन करवाए, जो फकीर कौन? फकीर वो जो सिर्फ जो टीवी के एंकर हैं उनके साथ फोटो सेशन कराए, जो विदेशों में पूरी दुनिया में घूम लिए, जो आज भी सभा लेने जाते हैं तो 3 हेलीकॉप्टर से जाते हैं, मतलब जो कभी गरीब से प्रधानमंत्री बनने के बाद मिले ही नहीं, किसान से नहीं मिले, जब 3 काले कानून आए तब भी देश के प्रधानमंत्री किसानों से नहीं मिले, वो फकीर। और जो केवल गरीबों में रहते हैं वो शहजादे। ये देशवासियों को समझना पड़ेगा असली शहजादा कौन और असली फकीर कौन। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।